आप देख रहे हैं प्याज शिमला मिर्च की ड्राई मसाला करी रेसिपी, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। कुछ आसान स्टेप्स के साथ बनकर तैयार होगी, स्वाद ऐसा कि उंगलियां आप चाट चाट कर खाएंगे। आज की इस कैप्सिकम ऑनियन ड्राई मसाला सब्जी को मेरे बताए गए टिप्स के साथ बनाएंगे तो यकीन माने आप आज के बाद शिमला मिर्च की सूखी सब्जी को इसी तरह से हमेशा बनाना चाहेंगे। हाय, दिस इज सुधा तिवारी, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा, सुधा की रसोई। शिमला मिर्च प्याज की मसाला ड्राई सब्जी को बनाने के लिए दो बड़े साइज के शिमला मिर्च को लिया है और इसे क्यूब्स में कट करके रखेंगे। सीड वाले पार्ट को कट करके डिस्कार्ड कर देंगे। दो बड़े साइज के शिमला मिर्च के साथ तीन मीडियम साइज के ऑनियन को लेंगे। शिमला मिर्च काट के रख लिया है, ऑनियंस को भी क्यूब्स में कट करेंगे। ऑनियंस को कट करके क्यूब्स में ऑनियन के परतों को, लेयर्स को अलग करके रख लेंगे। इसके बाद इस सब्जी में ऐड करने के लिए एक बड़े साइज का पका टमाटर लेंगे। इसका छिलका उतार कर इसे भी क्यूब्स में कट करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, एक छोटे साइज का आलू और लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करके रख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर दूध से उतारी गई क्रीम और थोड़ा दूध डाल के बाउल में लिया है। एक टीस्पून बेसन डाल के अभी मैंने मिक्स किया है। अब इसी फ्रेश क्रीम में 1/3 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून पाव भाजी मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/3 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून तीखी रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करके मसालों को क्रीम वाले दूध में अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार है। ये मसाला इस तरह से बनाएंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह से बनाना आज की शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी को बनाने के लिए। गैस ऑन करके एक पैन रख दिया है और सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल स्मोकी गर्म होने पे बल्ब्स में कटे हुए ऑनियन को इसमें डालेंगे। कुछ 2 मिनट के लिए ऑनियन को हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसमें फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू को भी थोड़ा सा चला के सौते करेंगे। बहुत जल्दी बनती है ये सब्जी, ध्यान रखें, और बहुत टेस्टी बनती है। शिमला मिर्च को ऐड कर दिया है। शिमला मिर्च को भी 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, टमाटर को डाल दिया है, मिक्स करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम धीमी आंच पर सब्जी को सॉफ्ट होने तक बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, आलू काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो लास्ट में यहाँ पर जो हमने मसाला फ्रेश क्रीम में तैयार किया है वो ऐड करेंगे। तो शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी को बनाते हुए फ्रेश क्रीम के साथ अगर मसाला ऐड करके आप इस तरह से ऐड करते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है सब्जी और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पर मसाला भी धीमी आंच पर रख कर बीच बीच में चलाते हुए मैंने पका लिया है सब्जी के साथ। बस यहाँ पर इंस्टेंट तरीके से सब्जी बनकर तैयार है। बाद में आप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता स्प्रिंकल ज़रूर करें और मिक्स कर लें और इसे गर्मा गर्म प्लेन राइस, नान, पराठा, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। टिफ़िन में भी इस रेसिपी को दे सकते हैं, ऑफिस टिफ़िन में इस रेसिपी को दे सकते हैं। ड्राई सब्जी है, ट्रैवलिंग में भी इस सब्जी को ले जा सकते हैं। तो शिमला मिर्च की सब्जी अगर आप नहीं खाते हैं ना तो एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा। आप शिमला मिर्च भर भर के लाएंगे और इस तरह से सब्जी बनाकर ज़रूर खाना चाहेंगे। आज की रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगली वीडियो में मिलूंगी नई रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।